डेटा चोरी मामले में आज फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की अमेरिकी सांसदों के सामने पेशी होनी है। करोड़ों लोगों के डेटा चोरी मामले में फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मार्क को आज और कल अमेरिकी कांग्रेस की दो कमेटियों के सवालों के जवाब देने हैं। कमेटी के सामने डेटा चोरी के आरोपों पर जुकरबर्ग अपना पक्ष रखेंगे। बताया गया है कि कमेटी के सदस्यों का सामना करने के लिए मार्क को ट्रेनिंग दी जा रही है और फेसबुक के अंदर के माहौल को देखकर लग रहा है कि मार्क किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के फ्लोरिडा से डेमोक्रेटिक सांसद बिल नेल्सन ने जुकरबर्ग से मुलाकात की। नेल्सन ने दावा किया कि जुकरबर्ग ने उन्हें बताया कि कंसल्टेंसी फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से झूठ बोला और कंपनी को गुमराह किया गया। डेटा चोरी का मामला सामने आने के बाद जुकरबर्ग ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली थी। इस बीच जुकरबर्ग ने फेसबुक के सीईओ पद से इस्तीफे की बात को सिरे से खारिज कर दिया है।